हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पता है, ओ लेवल गुरुजी चैनल पर लगातार आप लोग की तैयारी कराई जा रही है वेब डिजाइन की, और आज लगातार तीसरा दिन है जहां पर हम अपना ओरिजिनल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको पीडीएफ वगैरह परचेस करनी है, ओरिजिनल पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर के, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप एडमिन वाले नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, आज हम लोग अपना नेक्स्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं, और मैं बता देना चाहता हूं जो लोगों को नहीं पता है, तो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ परचेस करेंगे अगर आप लोग चाहें तो पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, और आपको प्रैक्टिकल को ओरिजिनल पेपर परचेस करने हैं तो आप लोग पेपर्स भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन फायदा ये है कि अगर आप लोग प्रैक्टिकल की पीडीएफ परचेस करेंगे तो आप लोग को पेपर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे पेपर्स आप देख रहे हैं, सारे ओरिजिनल पेपर्स हैं हमारे पास, और ये सारे ओरिजिनल पेपर्स आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आप लोग यहां पर पीडीएफ को परचेस करें। पीडीएफ हमारी बहुत बड़ी है और सारे क्वेश्चन इसमें से ही आने वाले हैं। ओके, तो क्यों हम बोल रहे हैं पीडीएफ परचेस करने की, क्योंकि टाइम कम है और इतनी क्लासेस हम अपलोड नहीं कर पाएंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग पीडीएफ जरूर परचेस कर लीजिए। ओके, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। अगर प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखो तो जरूर से देख लीजिए। इसके अलावा आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है, और आज हम लोगों ने दोपहर 1 बजे आप लोग को ये वाली क्लास प्रोवाइड की थी, जिसमें 1 जुलाई मतलब आज से हमने आप लोगों के लिए 8 जुलाई तक एक नई सीरीज की शुरुआत की है। बहुत ही जल्द आप लोगों की यहाँ पर मैराथन क्लास भी आने वाली है, M1 की और M2 की भी। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर M2 R5 का आज हमारा लगातार तीसरा दिन है। जिन्होंने पहले और दूसरे दिन की क्लासेस नहीं देखी है वो भी जरूर से देख लीजिए। आज हम लोग देखते हैं आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, उसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, तो देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग कवर तो करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों को एचटीएमएल बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और बहुत ही जल्द बाय बाय की क्लासेस भी आएंगी। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहली क्लास में करवा चुके हैं, जरूर से देख लीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। इसके अलावा भी हमने ये वाला भी करवा दिया था आपको जावास्क्रिप्ट के द्वारा, और ये वाला भी हम करवाएंगे आपको, एक मैराथन लाएंगे उसमें करवाएंगे हम ये वाला क्वेश्चन। और इसके अलावा ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आज हम लोग देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा रिपीट होता है, और आई थिंक वो क्वेश्चन हमारा रिपीट होता है, एक होता है जिसमें कि लिस्ट वगैरह का क्वेश्चन है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आज देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपको ओनली पेपर चाहिए ओरिजिनल, तो अभी क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, रिपीट यहीं से होंगे क्वेश्चन। ओके, रिपीट यहीं से होने वाले, अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, आज हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं ओरिजिनल पेपर का, ताकि आप लोग ये इजी वाले क्वेश्चन कर सकें। तो ओरिजिनल इंटरफेस की तरह हम लोग काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे एचटीएमएल कंपाइलर को ओपन कर लेता हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपको वहां पर ऑनलाइन करने के लिए मिलेगा। और आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि एक स्पेशल क्लास आने वाली है कि आखिर आप लोगों को करना कैसे है प्रैक्टिकल में पेपर को। ओके, तो यहाँ पर मैं GDB कंपाइलर यूज कर लेता हूँ, क्योंकि वही आप लोग के बिल्कुल वैसे ही आपका एग्जाम में आता है, तो ये कंपाइलर मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेपर में करना कैसे, हमें यहाँ पे लिखना है क्रिएट फॉलोइंग अनऑर्डर लिस्ट इन एचटीएमएल, तो बस हमें इतना सा ही करना है एक्चुअली। ओके, हमें यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट बनानी है विद सर्किल बुलेट। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरीके से मैं आपको बता दूंगा, सर्किल बुलेट के साथ भी बता देते हैं। तो यहाँ पर एचटीएमएल में सिंपल सा है, सबसे पहले हेडिंग ऑलरेडी मिल गई हमें, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लगा लेंगे। अब वहां के एडिटर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको वहां पे कोडिंग करनी है। ठीक है, यहाँ देख रहा है हेड क्लोज है, यहाँ एचटीएमएल, यहाँ बॉडी के अंदर आपको कोडिंग करनी है जितना आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ सबमिट कोड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग आउटपुट देख पाएंगे। ओके, तो सामने ही आपके इंटरफेस भी लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको लाइव समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोडिंग करना बॉडी टैग के अंदर, ये जो रहेगी वो CSS के लिए लिखी रहती है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो अनऑर्डर लिस्ट विद सर्किल बुलेट, सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट विथ सर्किल बुलेट। ठीक है, ये हमने लिखा अनऑर्डर लिस्ट सर्किल बुलेट, तो ये तो हमारी हेडिंग हो गई। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट है कॉफी टी और मिल्क, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूएल टैग को ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ पे यूएल टैग को ओपन कर लिया, यूएल टैग को ओपन करने का एलआई टैग को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है उसमें कॉफी लिखा हुआ है सबसे पहले, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉफी, फिर उसमें लिखा हुआ है टी, तो ये लिखा टी, एल आई ओपन किया, यहाँ लिख दिया टी और फिर से एल आई ओपन किया, इसके बाद यहाँ पे लिखा है एल आई के बाद कॉफी टी और फिर लिखा है मिल्क, तो ये लिख दिया हमने मिल्क। ओके, अब आप सोचेंगे कि इतने में हो गया, तो देखिए जरा आउटपुट क्या आ रहा है, मैंने रन पे क्लिक किया तो आउटपुट आ रहा। अब वहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वहां पर जो सर्किल है, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो फील्ड नहीं है, है ना, तो हम लोग यहाँ पे यूएल के अंदर देंगे यूएल टाइप इक्वल टू, यूएल टाइप इक्वल टू, यहाँ पर हमने सर्किल दे दिया, वो बुलेट थे एक्चुअली। अब ये देखिए सही आता है कि नहीं सर्कल देने पे,
तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आया है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। मतलब कि सीधा सीधा ये कोडिंग भी ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा था। हमने H1 लगाया यहाँ पे, कोडिंग का आप आउटपुट देख रहे हैं, बिल्कुल सही आउटपुट आप देख पा रहे हैं। ये देखिए हमने सीधा क्या लगाया, हेडिंग टैग लगाया, यूएल टैग लगाया, टाइप हमने यहाँ पे सर्कल दे दिया। ओके, तो ये जो है ना इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो इसकी कोडिंग भी मैं क्या कर देता हूँ वहां पे रख देता हूँ, क्योंकि जो लोग भी पीडीएफ वगैरह परचेस करेंगे उनको मिलता जाएगा सारा कंटेंट। तो यहाँ पर और हमारी जो क्लास अब रेगुलर अपलोड हो रही है तो आप लोग जरूर से देख लीजिए। ओके, अभी मैं इसको कर देता हूँ कंप्लीट। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, जैसे कि आपको पता है हम ऑलरेडी ओरिजिनल पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अभी देखिए जरा कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को इस टाइम पर, आप लोग क्योंकि मैराथन में आएंगे तो हम वहाँ पे भी कुछ आपको स्पेशल क्वेश्चन कराने वाले हैं। ओके, सपोज हमें मान के चलिए ये वाले टेबल का इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सेल दैट स्पान टू कॉलम, मतलब कि हमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमें एक टेबल बनाना है, उसमें क्या लगा हुआ है, कॉल स्पान लगा हुआ है। तो देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो हम इस वाले को भी अभी बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हेडिंग है सेल दैट स्पान टू कॉलम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स दैट स्पान टू कॉलम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन अभी मैंने बोला HTML काफी इंपॉर्टेंट है, सेल्स That spawn two column। और अगर आपने प्रीवियस क्लास की वीडियो नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिए, क्वेश्चन वहां से बहुत रिपीट होने वाले हैं। कॉलम, ये हमारी नई सीरीज अलग से चल रही है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे टेबल बनाना है, अब हम इसका कोई मतलब नहीं है तो इस वाले कोडिंग को हम हटा देते हैं। यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम टेबल टैग को ओपन करेंगे, टेबल टैग हमने यहाँ पे ओपन किया। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, रो स्पान कॉल स्पान का चल रहा, ऊपर आप देख रहे हैं हेडिंग है, पहली रो है, तो हमने यहाँ पे पहली रो के लिए TR को ओपन कर लिया। अभी हमने क्या किया, TH हमने आप ओपन किया, पहले TH में आप देख रहे हैं कि पहला वाले में कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो हमने TH में सीधा सीधा लिख दिया यहाँ पे नेम, TH ओपन किया, TH क्लोज कर दिया। नेक्स्ट में आप देख पा रहे होंगे कि दो कॉलम मिलकर एक कॉलम बन रहा है, और स्पानिंग मतलब होता है कॉल स्पान, रो स्पान मतलब होता है मर्ज करना। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कॉलम मिलकर एक कॉलम बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल स्पान लगाएंगे, TH कॉल स्पान, कितने कॉलम मिल रहे हैं, टू। मैंने डबल कोट्स ओपन किया, यहाँ लिखा मैंने टू, और उसमें लिखा क्या है, उसमें लिखा है जैसे कि टेलीफोन, टेलीफोन ये लिखा हमने यहाँ पे, टेलीफोन, जैसे हमने यहाँ पे टेलीफोन लिखा। अब आप देख पा रहे होंगे एक चीज, यहाँ पर आपको यहाँ पे कोडिंग करनी है, यहाँ सबमिट कोड होता है, इसमें आपका रन में करवाता हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, पहले वाला हमारी रो कंप्लीट हो गई है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, TR को हम लोग क्लोज, ऑलरेडी TR क्लोज है तो जरूरत ही नहीं है। अगर आपको आउटपुट वगैरह देख रहा हो तो आप लोग इसी में देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसे इतना बनाया, आप रन करेंगे तो आपको उतना आउटपुट दिख जाएगा। देखिए हमारा सही बना है कि नहीं, देख लेते हैं हम लोग। अभी देखिए यहाँ बॉर्डर नहीं आ रहा है, इस वजह से दिख नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पे टेबल बॉर्डर लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं टेबल बॉर्डर इक्वल टू वन, टेबल बॉर्डर इक्वल टू जो भी आपको लगाना है, 1 2 आप जैसा देना चाहें दे सकते हैं। अभी हमें आउटपुट देखना है कि आउटपुट देखिए जरा कैसा आया हम लोगों का। यहाँ पे अभी एक्चुअली टेबल वाला अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इस वजह से कॉल स्पान रो स्पान दिखेगा नहीं जब तक हम एक और एंट्री नहीं कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग फिर से TR को ओपन करते हैं, क्योंकि एंट्री के बाद ही दिखेगा ये। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है विकास रावत, और फिर लिखा है मोबाइल नंबर, तो हमने यहाँ पे अब हमें TD ओपन करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि डार्क नहीं है, इस मतलब TD करने की जरूरत है। और आप लोग चाहे तो टेबल की विद भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको विद देना है, मैंने यहाँ पे विद दे दिया, WIDTH इक्वल टू 600। ठीक है, तो अब आप देखेंगे अब थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको, 1 मिनट, अभी आपको थोड़ा सा टेबल बड़ी दिखने लगेगी, और आप विद के साथ देखिए अभी ये आपको दिख रहा होगा। ओके, तो अभी ये सेंटर में दिख रहा है, वो अभी सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि अभी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, मैंने यहीं पर छोड़ दिया है इसको। अभी क्या लिखा हुआ है, विकास रावत, तो यहाँ पर एंट्री दे देते हैं विकास रावत। ओके, एक TD हमारा कंप्लीट, अभी हम नेक्स्ट TD को एंटर करते हैं, तो हमने नेक्स्ट TD लिखा, नेक्स्ट TD में देख रहे हैं मोबाइल नंबर, मैंने कहा 9125, इसके बाद 57। अब देखिए जरूरी नहीं है कि मैं अभी आपको यही एंट्री करूँ, ठीक है, मैं अभी कोई भी नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ मतलब है फॉर्मेट से, बाकी मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ऊपर की एंट्री को, तो आप देख पाएंगे, क्योंकि ये जो क्लास स्टार्ट हुई है स्पेशली स्टार्ट हुई है, इसीलिए स्टार्ट हुई है ताकि आप लोग ओरिजिनल पेपर्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें। अब जरा आप देखिए जरा कैसा रहा हमारा, जैसा हमने किया था, जैसा वहाँ पे एंट्री थी ना, बिल्कुल वैसे हमने कहा। वहाँ पे सिंगल लाइन आ रही है ना, तो आप लोग क्या करें, टेबल बॉर्डर बंद कर दीजिए, थोड़ा सा ये बॉर्डर लाइट सा हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, हम लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट एंट्री वहां पर आपको करके दिखा दी है। ओके, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है वहां पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लगा दिया ये वाला, तो ये वाला आप इस तरह से करेंगे। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया था तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ओके, तो यहाँ पे लिखा था क्रिएट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग HTML कॉल स्पान एट्रीब्यूट, तो हमने क्रिएट भी कर दी है, बाकी नंबर आप दूसरे में चेंज कर लीजिएगा।
आप एक एंट्री देख रहे होंगे कि ये सेंटर में आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप इसको भी सर करना है आपको सही, तो आप एक काम करिए यहाँ पे अलाइन लगा लीजिए, जैसे टेलीफोन है ना, यहाँ पे अलाइन इक्वल टू लेफ्ट देखिए, ELIGN अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, अगर ये वर्क करता है तो बेटर है, ठीक है, हालांकि इतना तो जरूरत नहीं है, लेकिन अलाइन देखिए जरा ये वर्क कर रहा है कि नहीं, देखिए बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब आपने देखा टेबल बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसी थी ना, तो यहाँ पर अलग से कॉलम भी दिख रहा है और ये आपका यहाँ पे कंप्लीट भी शो कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस आप लोग करवा रहे हैं, तो इसी, और आप लोग जो लोग भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, और फटाफट से ज्वाइन होकर हमें एडमिन वाले नंबर पर व्हाट्सएप करिए, सर PDF लेना है, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9235 7405 454 पे, आप हमें व्हाट्सअप करिए तो भी आपको PDF मिल जाएगी। ओके, तो ये जो क्लास थी यहाँ पर हमने ओरिजिनल पेपर सॉल्व, अब आप खुद ही देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, फिर भी स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब आप लोग जब हमारी क्लासेस ले ही रहे हैं तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको बिल्कुल रियल टाइम वाली एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, ताकि आप लोग सब कुछ कर सकें। ओके, अगर आपको टॉप करना है, एस ग्रेड लाना है, तो आप लोग को हमारे तरह से चलना होगा, PDF भी लेनी होगी फिर उसके तरह, क्योंकि जो लोग PDF लेते हैं हम गाइड भी करते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, जब भी क्वेश्चन के डाउट आते हैं हम उनको व्हाट्सअप भी करते हैं। बाकी जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी वो एक काम करिए, आप लोगों क्या करना है हमारे चैनल पर आ जाना है, जैसे आप ऑलरेडी वॉच कर रहे हैं तो ओ लेवल गुरुजी पर आ जाइए, आने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई, इस प्लेलिस्ट पे आ जाइए, प्लेलिस्ट पर आने के बाद ये बनी है आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट M2R5 प्रैक्टिकल क्लब प्लेलिस्ट, ये बनी हुई है IT टूल्स के लिए, ये बनी हुई है पाइथन वगैरह के लिए, ठीक है। आप देख रहे हैं लगभग 609 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चैनल का फोकस होता है आप लोग के एग्जाम पे और पूरे आप लोग की क्लासेस पे, और अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो हमारे वेबसाइट है careersknowledge.in, इस वेबसाइट पर आ जाइए, M2 के काफी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे यहाँ पर, बस आपको क्या करना है careersknowledge.in, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, काफी ज्यादा लिंक मैं आपको वहां पे दे देता हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है ओ लेवल पे, जैसे आप ओ लेवल पे क्लिक करेंगे, ओ लेवल पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ देखिए ये है प्रैक्टिकल के पेपर, ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चंस पेपर हमने यहाँ पर अपलोड किए हैं वेबसाइट पे, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए कोडिंग वगैरह सब आपको यहाँ पर मिलेगी, और यहाँ पर आउटपुट भी आप लोग के लिए लगाए गए हैं, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम कराएंगे अभी आप लोगों को इस तरह के फॉर्म्स बनाना, तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी तरह की कोडिंग आपको दूँ कि इस तरह से ऐसे फॉर्म बनाने आपको, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कराएंगे। ओके, तो इसकी भी कोडिंग वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोडिंग ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक नहीं किया था तो लाइक करिए, जल्दी से PDF परचेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।